हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 5 इंग्लिश उसका यहाँ पे चैप्टर 9 हाउ द बलून्स वाज लॉन्च्ड उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूँ तो ये चैप्टर जो है वो ओज़ेर की जो फेमस नॉवेल है उसमें से लिया गया है। नॉवेल मतलब क्या होता है कि उसमें जो कैरेक्टर रहते हैं वो रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलते हैं, एक लॉन्ग स्टोरी रहती है और उसमें में से एक छोटा सा पैराग्राफ मतलब कि दो तीन पेज जो है वो मैं यहाँ पे स्टडी के लिए एक चैप्टर बना के दिया गया है तो उसी के ऊपर हमें बात करनी है। ओके, और इसमें एक लड़की है डोरोथी, उसका डॉग है टोटो। वो कैंसास से यहाँ पे ओज़ेर की ज़मीन पे तूफान की वजह से पहुँच चुके हैं, उसका घर भी साथ में आया हुआ है, मतलब तूफान कुछ ज़्यादा ही है। तो ये सब कुछ हमें इमेजिन करना है, ये सभी कैरेक्टर जो है यहाँ पे इमेजिन वाले कैरेक्टर है, मतलब इमेजिन करके बनाए गए हैं। ठीक है, ये कोई रियल कैरेक्टर या रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये बात हमें याद रखना है। अब यहाँ पे जो ओज़ेर का जो विज़ार्ड है वो क्या यहाँ पे डोरोथी को अपने घर वापस भेज पाएगा, यही एक सस्पेंस यहाँ पे है। ओके, तो इसी चैप्टर में ये पता चलेगा कि आखिर में क्या होता है। ओके, तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डोरोथी एंड हर डॉग टोटो आर कैरिड अवे फ्रॉम कैंसास टू द लैंड ऑफ ओज़ेर बाय अ साइक्लोन अलॉन्ग विथ हर होल हाउस इन ओज़ेर। सी मेट्स न्यू फ्रेंड्स लाइक द स्केयरक्रो, द टिन वुडमैन who is a woodcutter and the great wizard of Ozed. She asks her the wizard to help her get back home. स्टोरी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे डोरोथी और इसका एक डॉग जो है टोटो वो एक तूफान की वजह से यहाँ पे कैंसास से ओज़ेर की ज़मीन पे पहुँच चुके हैं पूरे घर के साथ, मतलब हमें ऐसा इमेजिन करना है। ओज़ेर के अंदर वो नए फ्रेंड से मिलती है, स्केयरक्रो एक टीन वुडमैन जो एक वुडकटर है, और ग्रेट विज़ार्ड से मिलती है। वो पूछती है कि क्या वो उसको घर वापस ले जाने में मदद करेंगे। ऑन द फोर्थ डे द विज़ार्ड ऑफ द ओज़ेर सेंट फॉर डोरोथी एंड व्हेन शी एंटर्ड द थ्रोन रूम ही ग्रेटेड हर प्लेजेंटली, सिट डाउन माई डियर, आई थिंक आई हैव फाउंड द वे टू गेट यू आउट ऑफ दिस कंट्री एंड बैक टू कैंसास, शी आस्क्ड एरकली। चार दिन के बाद यहाँ पे विज़ार्ड जो है ओज़ेर का उसको डोरोथी के बारे में पता चलता है, वो उसको लाने के लिए भेजते हैं अपने सैनिकों को। जब वो यहाँ पे रूम में एंटर होती है, सिंहासन पे बैठती है, तब वो अच्छे से उससे बात करता है। वो बोलता है सिट डाउन माय डियर, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाने के लिए मतलब मेरे देश से बाहर ले जाने के लिए मैंने रास्ता ढूंढ लिया है, एंड बैक टू कैंसास मतलब कि क्या आपने कैंसास तक यह रास्ता ढूंढ लिया है। तो यहाँ पे अब वो क्या कहता है वो देखते हैं। Well, I am not sure about Kansas, said Ozette, for I haven't the faintest notion which way it lies. But the first thing to do is to cross the desert and then it should be easy to find your way home. तो उसका यहाँ पे रिप्लाई देते हुए विज़ार्ड कहता है कि मुझे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं आपको कैंसास तक पहुँचा दूंगा, लेकिन मेरे पास लाइटली ऐसा आइडिया है जिसके थ्रू मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले हमें यहाँ पे रेगिस्तान को क्रॉस करना होगा और फिर हम आपके घर तक जाने का रास्ता ढूँढ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जो है डोरोथी क्या बोलती देखते हैं। हाउ कैन आई क्रॉस द डेजर्ट, सी इंक्वायर्ड। वेल, आई विल टेल यू व्हाट आई थिंक, सेड द लिटिल मैन। You see, when I came to this country, it was in a balloon. You also came through the air being carried by a cyclone. So I believe the best way to get across the desert will be through the air. Now it is quite beyond my power to make a cyclone, but I have been thinking the matter over and I believe I can make a balloon. डोरोथी उसका रिप्लाई देते हुए कहती है कि किस तरह से मैं यहाँ पे डेजर्ट क्रॉस करूँगी। तो वो यहाँ पे लिटिल मैन जो है वो बोलता है कि मुझे भी उसके बारे में सोचना पड़ेगा, एक बात सुनो, जब मैं यहाँ पे आया था तब वो बलून में आया था और तुम तो यहाँ पे हवा के थ्रू आई हो मतलब कि साइक्लोन के द्वारा आई हो। मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि सबसे बढ़िया तरीका यही रहेगा कि तुम हवा के थ्रू ही यहाँ से जो है क्रॉस करो मतलब कि उस पार जाओ। अब इतना तो मेरे पास पावर नहीं है कि मैं साइक्लोन बना सकूं, ठीक है, लेकिन मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए इस मैटर को ख़त्म करने के लिए मैं बलून तो बना ही सकता हूँ। तो डोरोथी यहाँ पे बोलती है। हाउ, आस्क्ड डोरोथी। अ बलून, सेड ओज़ेर, इज मेड ऑफ सिल्क विच इज़ कोटेड विथ ग्लू टू कीप द गैस इन इट। आई हैव प्लेंटी ऑफ सिल्क इन द पैलेस, सो इट विल बी नो ट्रबल टू मेक द बलून, बट इन All this country, there is no gas to fill the balloon
with to make it float. If it won't float, remarked Dorothy, it will be of no use to us. डोरोथी उसका रिप्लाई देते हुए कहती है कि आप किस तरह से यहाँ पे बलून बनाओगे। तो ओजिट बताता है बलून हाँ सिल्क का बनाएंगे हम और उसको यहाँ पे ग्लू से जो है वो कोटिंग करेंगे, उस ग्लू से चिपकाएंगे और उसके अंदर गैस भरेंगे और जो मेरे पास बहुत सारा सिल्क जो है वो महल के अंदर पड़ा हुआ है और उसमें कोई परेशानी नहीं होगी कि हम बलून बना लेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारे पूरे देश में ऐसा कोई गैस नहीं है जो हम इस बलून में भर पाए, ठीक है, जिससे वो उड़ के जाए। तो यहाँ पे डोरोथी रिमार्क करते हुए कहती है उनको, अगर जो है वो उड़ेगा नहीं, मतलब आप जो बलून बना रहे हो अगर वो उड़ेगा नहीं तो हमारे लिए वो किसी काम का नहीं है। ट्रू आंसर्ड ओजेड, बट देर इज़ अनदर वे टू मेक इट फ्लोट विच इज़ टू बी फिल इट विथ हॉट एयर। Hot air isn't as good as gas for it. The air should get cold. The balloon would came down in the desert and we should be lost. Now, if you will help me to shoot the silk together, we will begin to work on our balloon. यहाँ पे ओजेड उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि सही है, आप सही कह रहे हो, बट एक दूसरा तरीका भी है जिससे ये हम इसको उड़ा सकते हैं, मतलब बलून को हम उड़ा के लेके जा सकते हैं। उसमें अपने पास गैस तो नहीं है लेकिन हम उसमें गर्म हवा भर देंगे तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है, गर्म हवा जो है वो गैस की तरह इतनी अच्छी तो नहीं होगी लेकिन जब भी हम उसमें हवा भरेंगे ये तब वो बलून जो है वो उड़ेगा और फिर धीरे धीरे करके रेगिस्तान में नीचे आ जाएगा और हम शायद खो भी जाए। पर अभी जो है आप अगर आप मुझे यहाँ पे मदद करोगे तो सिल्क में से हम सिलना शुरू करते हैं और हम यहाँ पे साथ में मिलकर ये बलून बनाते हैं। सो डोरोथी टुक अ नीडल एंड थ्रेड एंड एज फास्ट एज ओजेड कट द स्ट्रिप ऑफ सिल्क इनटू प्रॉपर शेप द गर्ल सीड देम नेटली टुगेदर। फर्स्ट देर वॉज अ स्ट्रिप ऑफ लाइट ग्रीन सिल्क, देन स्ट्रिप ऑफ डार्क ग्रीन एंड देन अ स्ट्रिप ऑफ एमरल्ड ग्रीन। फॉर ओजेड अ फैंसी टू मेक द बलून इन अ डिफरेंट शेड ऑफ द कलर अबाउट देम। यहाँ पे डोरोथी जो है वो नीडल लेती है, मतलब सुई और धागा लेती है और उसको जितना हो सके जितना ओजेड वहाँ पे कट करता है वैसे ही वो उसको प्रॉपर स्ट्रिप जो रहती है सिल्क की उसको शेप दे के उसको सिलना शुरू कर देती है। नेटली सिलती है, क्लीन मतलब सिलती है। फर्स्ट पहले क्या करती है, जो स्ट्रिप रहती है हरे कलर की जो सिल्क की, उसके बाद डार्क ग्रीन को सिलती है, उसके बाद जो है इमल्ड ग्रीन, इमल्ड ग्रीन का यहाँ पे दिया हुआ है ब्राइट ग्रीन, ठीक है, तो उसको उसके बाद सिलती है। मतलब अलग अलग यहाँ पे कलर में जो है बलून वो लोग बना रहे हैं, मतलब स्टाइल वाला स्टाइलिस्ट बलून उनको बनाना होगा, ठीक है। तो फैंसी बलून यहाँ पे बनाया जा रहा है, उसमें अलग अलग कलर भी है, उसमें अलग अलग शेड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और तो स्टूडेंट ये था पार्ट वन, पार्ट टू जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। अगर आपको कोई यहाँ पे डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, आपको आंसर यहाँ पे दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करना। थैंक यू ऑल।